जर्नी होगी इतनी लंबी होगी और अभी भी चल रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कई सारे देशों में इसको दिखाया जा रहा है और इसको सराहा जा रहा है। मुझे जो अवार्ड मिला है, मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में जब अवार्ड मिलता है तो पूरी फिल्म को मिलता है और ख़ास करके डायरेक्टर को मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्टर का विजन था हंसल मेहता का। और मैं आई कैन टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू हंसल फॉर गिविंग मी दिस रोल। आपके लिए कितना मायने रखता होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंट्री में आप किसी अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं मिल रहा। एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 78 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, 78 कंट्रीज़ के फिल्मों में से कुछ फिल्में चुनी जाती हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस चुनी जाती हैं। इस फिल्म के लिए हमें कोई भी अवार्ड, कोई भी लिस्ट, उससे बड़ा मतलब लोगों का प्यार है कि वो प्यार पिछले साल अक्टूबर में ये फिल्म प्रीमियर हुई थी बुसान फिल्म फेस्टिवल में, और तब से लेके आज तक हमें इस फिल्म के लिए इतना प्यार मिल रहा है और वो प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बहुत प्राउड फील करते हैं, आई थिंक हंसल सर की हर फिल्म पर हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। शाहिद, सिटी लाइट्स, अलीगढ़, अभी ओमेटा है, सिमरन है, आई थिंक ही इज़ अ फैमिली नाउ, ही इज़ मोर देन अ फिल्म मेकर। सो इट्स लाइक यू नो, घर की घर वही जैसे शादी होती है, वो जो खुशी है ना, इट्स दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। इसके अलावा हर फिल्म का हिस्सा रहा है, तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी हंसल मेहता जी के साथ? इट्स अमेजिंग, द काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी हैव, इट्स वी रियली कांट डिफाइन दैट, यू नो, इट्स वेरी रेयर दैट समथिंग लाइक दिस हैपेंस विद बिटवीन अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर, बट आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम ओवरवेल्म्ड दैट वी शेयर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप नाउ। डू यू रिमेंबर हु इज सिटिंग देयर एंड चूजिंग द फिल्म? So I'm sure they know their job and yeah. But getting an award like what he got in Australia, yeah, is way bigger than a lot of awards. So I'm very happy that Manoj sir has got it and I'm sure in future. बहुत कमाल की फिल्म है ऑफ कोर्स, और हंसल साहब ने बनाई है फिल्म, मैंने देखी है, मैंने बहुत पहले देख ली थी फिल्म और बहुत ही इम्प्रेस हुआ था मैं मनोज भाई की परफॉर्मेंस से। उसमें मुझे भी अवार्ड मिला था जहाँ पे स्पेशल मेंशन का मनोज भाई को बेस्ट एक्टर का मिला। कुछ फिल्में होती हैं जिनको बाहर बहुत पसंद किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है, वक्त लगेगा अभी। और फिल्म की तारीफ हुई, अलीगढ़ बढ़िया बहुत स्पेशल फिल्म है क्योंकि मैंने हंसल सर के साथ शायद भी किया है और बहुत सारा फिल्म उनके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसके अंदर जो जिस तरह का इशू को उन्होंने उठाया और जिस तरह से इसकी कास्टिंग किया तो बहुत मज़ा आया। एंड आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अलीगढ़ की सक्सेस पार्टी हो रही है, कल दंगल रिलीज होने वाली है, तो पूरा माहौल जो है बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। यार एक्चुअली अवार्ड्स मिले ना मिले, आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस बात करती है, सो आई थिंक कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो एक अवार्ड से सीमित नहीं की जा सकती। बट हाँ, डेफिनेटली आई थिंक इंडस्ट्री जो है वो हर तरह की फिल्म के लिए खुल रही है एंड आई एम श्योर इस तरह की फिल्मों के भी आगे यहाँ पर भी और अवार्ड्स। I think it's a great film and Hansal Mehta I think is one of the most amazing beautiful directors we have and I love watching his films, I love Shahid and this is just another amazing beautiful film on made on such an amazing beautiful subject and so sensitively made, so well made. And of course we can't stop talking, when you talk about Aligarh you have to talk about you have to talk about Manoj Bhai. I think he gave a life, one of his best performances of his career. And so it's good that such films are celebrated, such films are being made, and there's a beautiful party here for that.